ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग। सो आज का तो वैसे कोई प्लान है नहीं कि लाइक आज कुछ स्पेसिफिक ऐसा वैसा कुछ होगा, बट मैं रियली कुछ लाइक अपने मन की बात करना चाहती हूँ, इसलिए वो मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, अभी पहले दिन का स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो चलो चलते हैं। तो फर्स्ट मैं फ्रेश होकर सबसे पहले नींबू पानी पीती हूँ, लाइक लिए वार्म वाटर में थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाकर, और 5 सोक्ड आलमंड्स खाती हूँ। तो पहले मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। सो ये इज माई दिस नींबू पानी एंड आमंड, मेरा और मिलिन का दोनों का है। मैं नींबू पानी पीती हूँ बट मिलिन को प्लेन वाटर पसंद है, एंड इग्नोर दिस, ये तो होता ही है। पानी ले लो अपना। हाँ मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर लेकर आना, एंड ये बादाम भी। गाइस तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन तो हो गया, एंड अभी टाइम है थोड़ा सा वॉक जाने का। ताकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि आज मिलिंद भी घर पे था, एंड हम लोग ने कल रात में मूवी भी देख ली, इसलिए लेट उठे हम लोग आज। एंड आज छुट्टी मिलिंद की इसलिए भी है क्योंकि यूपी में लाइक नोएडा में ये इलेक्शन है, तो उसकी छुट्टी है, इसलिए आज कोई ये नहीं था। तो देखती हूँ जाता तो मिली चलोगे क्या? हाँ चलो ना, ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा वॉक करने के लिए। ओके, तो ये हमारे घर के पास ही लाइक हाँ हमारा घर ये है, तो हमारा जो घर है वहीं पे पास में ही ये पार्क है, तो हम लोग वहीं आ गए वॉक करने के लिए। तो काम करते हैं, बकवास नहीं, तो हम लोग वॉक करके आप लोग से दोबारा मिलते हैं। मिली हाय बोल दो, बहुत दिनों बाद देख रहे हो बेचारे की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, आँखें आँखें पफी आईज हो गए हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग वॉक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। बचपन की यादें है ना, तुम भी बैठ जाओ ना बगल वाले में। कहाँ मिलता है यार ये सब, है ना? ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो गया अभी? हाँ वॉक हो गया, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक नहीं कह सकते इसको। ठीक है, मुझे ना कुछ बात करनी है, तो मुझे बात करनी है, मैं बैठ जाती हूँ कहाँ? ठीक है, ओके जी। एक्चुअली मुझे ना कुछ शेयर करनी थी, शेयर ये करनी है कि लाइक लाइफ में ना सब कुछ मेस्ड अप चल रहा है, लाइक लाइफ मेस्ड अप हो रहा है, करियर मेस्ड अप हो रहा है, हेल्थ मेस्ड अप है, एंड लाइक सब कुछ मेस्ड अप है एकदम, बिल्कुल ना। कभी कभी लाइक आपको पता होता है कि ये सब हो रहा है, बट आप फ्लो में जा रहे होते हो, बट एक ट्रिगर होता है ना जहाँ आपको इस बात का एहसास होता है, तो बस वही एहसास हुआ, तो मुझे लगा यार सच में सही बात है, लाइक मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, बस यूं ही। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइक लाइफ को एंजॉय करते हैं, बट जब लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो उनको सडनली स्ट्राइक होता है कि यार करियर भी तो है, करियर तो लाइक जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है ना उनकी बात कर रही हूँ मैं, लाइक जो करियर में है उनकी बात नहीं कर रही, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप जब करियर करियर के पीछे भागते हो, तो कहीं ना आप थोड़ा सा लाइफ का जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, ठीक है प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रही हूँ, कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे लगता है कम होने लगता है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था, एंड मुझे लगा यार कुछ तो करना चाहिए ना, है ना, लाइक ऐसे तो नहीं रह सकती, लाइक दिस इस टाइप की जो लाइफ है ना वो बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं देता, कुछ टाइम के लिए ही बस ये हैप्पीनेस होता है। तो इसलिए मैं सोची ना
मैंने सोचा है कि मैं ध्यान दूंगी, लाइक मैं अभी अपनी करियर पे भी ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं इसको ना बहुत ऐसे लाइटली लाइटली ले रही थी, लाइक उतने सीरियस मैं नहीं थी इस चीज़ को लेकर। बट फिर हुआ कि व्हाट क्या है, इतनी पढ़ाई और ये वो करके क्या क्या ही मिलेगा अगर मैं इतना ही टाइम पास स्टेप से करूँगी तो। एंड दूसरी बात है लाइक अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना, क्योंकि अपने हेल्थ पे तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो मुझे अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना उसके लिए। लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइटिंग करूँगी, ये वो नहीं करूँगी, बट या कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करूँगी मैं। एंड लाइक अगर लाइफ को इन्जॉय भी करूँगी एंड दूसरे चीज़ों को भी सीरियस लूँगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बुक स्टडी करूँ, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ रही थी ना तो मतलब बीच में मैंने स्टार्ट भी किया था बुक्स पढ़ना, जब मैं बुक्स पढ़ रही थी पता नहीं क्यों एक अलग टाइप का ही सेटिस्फिकेशन मिला, क्योंकि ना पता है जब से लाइक ये डिजिटल डिजिटल हुआ है ना तब से तो नो मिली प्लीज आई एम सॉरी सॉरी होता है यार कुत्ते से फोबिया होता है। वो अच्छा है क्या, वो अच्छा है क्या? हाँ यार, तो यही मेरा ना थोड़ा सा लाइफ अपडेट है कि मैं अपने लाइफ में ना चेंजेस करने वाली हूँ। अगर आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनली बात कर रही हूँ एंड बहुत लोगों को ये बेतुका लग रहा होगा, बट आई डोंट नो, मुझे लगा मुझे बोलनी चाहिए। एंड मैं वीडियो भी ना, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही लाइक बहुत इनर सेटिस्फिकेशन लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, एंड दैट्स ओके अगर कुछ ऐसा बिल्कुल फ़न चीज़ नहीं हो रहा है दिखाने के लिए, फिर भी आई विल ट्राई कि मैं लाइक ये वीडियो बनाऊँ। एंड अगर उससे उस चीज़ों से ना कुछ अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ले लेना। एंड अगर आपको लगे कि मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप भी मुझे बता सकते हो। तो बस इतना ही, ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करना, है ना। तो अब हम लोग वापस रूम पे आ चुके हैं एंड टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में आज जो हम लोग खाएंगे वो है ओट्स, ओट्स एंड दूध, एंड फ्रूट भी खाएंगे ऑरेंज। हम अपने ओट्स में ना थोड़ा सा मीठापन हल्का और लाने के लिए, वैसे तो मिल्क का नेचुरल स्वीटनेस होता ही है बट एक्स्ट्रा थोड़ा सा अलग फ्लेवर के लिए भी, तो उसमें हम लोग ये गुड़ डालते हैं। तो ये हाफ लीटर में बस इतना गुड़ डाल देंगे। तो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, ओट्स है। हमें लाइक थोड़ा सा मिल्की मतलब ऐसा लिक्विड कंसिस्टेंसी अच्छा लगता है इसलिए। और ये मिलिंद का है, ये मेरा मिलिंद वाले में मैं थोड़ा सा किसमिस मिला दे रही हूँ, मैं अपने में नहीं मिलाऊंगी। मिली पीछे कर लो, उसको पीछे कर लो। हो गया रेडी हम? ठीक है, ओके गाइस। तो अभी हमारा प्लान बना है कि कुछ राशन बोल लो आप कि वो नहीं है घर पे, तो बैठे बैठे हम लोग ने सोचा क्या करना है, करना है कुछ ना काम, शुरू करो अंतराक्षी लेके प्रभु का नाम। ओके ठीक है, हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा लॉजिक मॉल है यहाँ हमारे नज़दीक में, तो वहीं चल लेते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे और भी कुछ काम है। तो मुझे बुक, मैंने जैसे अभी आपको बताया मुझे एक बुक भी लेनी है, तो वो भी लेनी, तो चलो चलते हैं सब साथ में। क्या? हाँ बुलेट राजा। This is what you want, right? We gotta take a night train to the other part of the city to rock off the fucking ancient walls. We gotta take a night train.
हमारा पोपट हो गया क्योंकि आज इलेक्शन की वजह से लाइक पूरा मॉल बंद है। अभी इसके चक्कर में हम लोग ने लंच भी नहीं किया कि लाइक यही आकर हम लोग कुछ सब्वे में खा लेंगे, बट लोल लोल लोल। अब हम आ गए घर। बीच में प्लान भी बना कि दिल्ली ही चलते हैं, बट अफसोस हम लोग ने अपना मेट्रो कार्ड भी नहीं लिया और वापस घर आके जाना इससे बेहतर था कि लग रहा था घर पे ही रहो, वही सही है। तो अब कुछ नहीं, खाना बनाना है, खाना है और काम करना है, दैट्स इट। है ना मिली? हाँ जी। ओके जी, तो ओके हेलो आफ्टर ओके हेलो, काम कर ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, थोड़ा काम करने के बाद हम लोग ने लाइक एक मूवी देखा। वो मूवी का नाम क्या था? जय भीम। या ओके, एक साउथ इंडियन मूवी, जय भीम। यार क्या मूवी है, वो मूवी देखा और फिर थोड़ी नींद आ गई तो अभी उठी हूँ। अब टाइम हो रहा है, टाइम हो गया कितना, 7 बजने वाले हैं एंड डिनर का भी करना है। तो डिनर में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत मतलब सिंपल खाने का मन कर रहा है, तो विल मेक दाल फ्राई एंड रोटी। तो चलते हैं दाल बनाने। ये हमारी दाल चढ़ चुकी है और अब मिलते हैं हम लोग अपने दाल और रोटी के साथ। ओके गाइस, तो ये है मेरा डिनर एंड ओके जी, तो हो गया मेरा डिनर और अब जा रही हूँ मैं वॉक पे। वॉक पे आने के बाद मैं थोड़ी सी रीडिंग करूँगी एंड जो बुक मैं पढ़ूँगी वो है ये, डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट। सो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये काजल आईलाइनर ये सब तो मिटाना है। तो अब मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं दिखा रही क्योंकि क्या ये बोरिंग होगा है ना, और ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा वीडियो तो इसलिए। और आई होप सो आपको आज का मेरा दिन अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।